और मुझे उस टाइम पे वो जो एकोजेनिक फोकल जो कैल्शियम डिपोजिट है वो क्लियरली दिखा, ठीक है। और मेरी रिपोर्ट में भी यही आया है कि वो जो कैल्शियम डिपोजिट है, ठीक है, वो अभी भी है। हेलो एवरीवन, आज फीटल इको के लिए जा रही हूँ मैं। जब भी कोई स्कैन डर सा लगता है। ये एडवांस डायग्नोस्टिक जहाँ से मेरा फीटल इको होना है आज, और मेरा पहले भी लेवल 2 स्कैन यहीं से हुआ था। मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा इस बार। मेरा कल फीटल इको हो गया था सेम जगह पे जहाँ पे मेरा लेवल 2 स्कैन हुआ था। जैसे आपको पता है कि मेरा लेवल 2 स्कैन जो है उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब एक एकोजेनिक फोकस दिखा था लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वैसे तो मेरी डॉक्टर ने मुझे काउंसिल किया था कि 99% चांस है कि ये सिर्फ एक कैल्शियम डिपोजिट हो जिसकी वजह से हार्ट के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी एक डर बना रहता है, ठीक है, कि कुछ मतलब सब कुछ नॉर्मल आए। और वैसे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं सब कुछ ठीक आएगा, ठीक है। डॉक्टर ने जब काउंसिल किया था तो मेरा डर तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। लेकिन वही होता है कि जैसे ही पता चलता है अरे आज जाना है अभी जाना है, या जस्ट वो रूम में एंटर करते ही एक अजीब सा एक डर सा बना रहता है। वैसे तो ये डर सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पहले ही नहीं, ये तो मुझे हमेशा ही ये डर लगा रहता है। आई थिंक फर्स्ट प्रेगनेंसी शायद हो सकता है इसलिए, ठीक है। लेकिन जब भी कोई स्कैन होता है तब भी होता है। इनफैक्ट घर में भी जैसे हम कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा खा लिया कुछ कम खा लिया, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अरे मैंने ये किया, ये मैं थोड़ा झुक गई या कुछ भी, या किसी वजह से थोड़ा पेन हो गया, या कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद हमेशा दिमाग में ये रहता है। मैं मूवमेंट की वेट करने लग जाती हूँ कि थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए, ठीक है, थोड़ा बेबी की किक महसूस कर लूँ तो फिर थोड़ा सा तसल्ली होती है कि ठीक है। हाँ मतलब इवन लेफ्ट राइट पलट के सोती हूँ तब भी कहीं इसके वजह से तो कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटी होती है जिसके वजह से मैं ये सोचती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी। आई डोंट नो सबके साथ होता है या मैं ही कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव बनी हुई हूँ तो। लेकिन मुझे ये डर रहता है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। मतलब और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ दिनों में होता है, ये मुझे रोज़ ये मेरे मन में ये डर बना रहता है कि कोई भी एक्टिविटी, उठना बैठना, ठीक है, इनफैक्ट इसमें भी या कोई भी काम करना। कभी कभी तो मैं आइसक्रीम फ्लेवर्स भी सर्च करने लग जाती हूँ नेट में कि अरे मैंने ये वाली आइसक्रीम खाई इससे कुछ नुकसान तो नहीं है, अरे बहुत देर से किक महसूस नहीं हुआ तो कहीं मैंने वो पी लिया था, वो कोल्ड ड्रिंक पी थी, वो ठंडा दूध पी लिया था, या कुछ भी ऐसे कहीं उसके वजह से कुछ नुकसान तो नहीं है, कहीं ठंड लग गई हो अंदर, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके हमेशा होता है कि रोज़ मन में ये डर आता रहता है, और हमेशा रोज़ जो घबराहट की वजह से वेट करती रहती हूँ कि अरे मूवमेंट हुई नहीं, अभी पिछली बार 2 घंटे पहले हुई थी, अभी फिर से नहीं हुई, ठीक है। और कभी कभी कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ तो होती हैं जो बहुत मतलब आराम से पता चलती हैं, और कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो हल्की हल्की होती हैं, उसको वो तभी फील होती है जब हम मतलब जब मैं पेट में हाथ रखती हूँ। तो कुछ मूवमेंट ऐसी है और कुछ मूवमेंट थोड़ी तेज़ होती है जिसके लिए मतलब एकदम शांत रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है या हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत कैजुअली फील हो जाती है। इवन वॉकिंग के टाइम पे किचन में कहीं पे भी फील हो जाती है वो। तो फिर जो मेरा रिपोर्ट है ये मेरी फीटल इको की जो रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हार्ट बीट थी वो 152। वैसे तो हार्ट बीट हमेशा अलग अलग ही आती है, ठीक है। लास्ट टाइम जब करवाया था तो 145 था, मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा और कम हो सकता, ज़्यादा तो नहीं पर 152 है। आई थिंक मूवमेंट की वजह से भी होता है, जैसे बच्चे अब बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट बढ़ चुकी है बच्चे में, तो इस वजह से आई थिंक जो है हार्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, नॉर्मल लिमिट्स मेंशन किया है, जो हार्ट के वॉल्व चेक किए हैं उसमें भी सब ठीक है, लेकिन जो एकोजेनिक फोकस जो है वो अभी भी है, मतलब वो जो कैल्शियम डिपोजिट है वो अभी भी दिख रहा है। लेकिन इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इसके वजह से मतलब जो 2 वेंटिकल्स उन्होंने देखे वो इक्वल साइज़ है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बाकी ये सेकेंड पेज है मेरी रिपोर्ट का, और इसमें बस यही मेंशन है कि 100% इस रिपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी अल्ट्रासाउंड चेक कर सकता है उसके हिसाब से सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन 100% गैरेंटी कि शायद वो एकोजेनिक फोकस हो सकता है कि मतलब वो जो कैल्शियम डिपोजिट दिखाई या तो वो कम हो गया हो या तो वो चले गया हो,
लेकिन नहीं, इस बार तो मैंने भी स्कैन में जब वो चेक कर रहे थे, मतलब जो फीटल इको होता है वो एक नॉर्मल स्कैन की तरह ही होता है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो वो सेम प्रोसीजर हुआ था, अपडोमन के ऊपर से ही हुआ था, ठीक है। सेम इक्विपमेंट जो एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में यूज़ होते हैं, ठीक है, वही यूज़ हुए थे, कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। जबकि ईको जब बड़े लोगों का होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन फीटल ईको में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, नॉर्मल था। बस ये था कि उन्होंने बेबी के कोई भी अदर पार्ट को नहीं दिखाया, ठीक है, उनका मतलब इवन मैं फेस भी नहीं देख पाई थी, पूरा पूरा फोकस वो हार्ट पे ही था, ठीक है। वो हार्ट बीट जो होती है ना उसका अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, मतलब उसको बहुत क्लोजअप तरीके से वो देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हार्ट के सारे इंटरनल जो था वो मतलब पार्ट्स नज़र आ रहे थे, मतलब जैसे एक लाइन सी थी जो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर रही थी, मतलब ऐसे उसके फोर चेंबर्स ऐसे करके दिख रहे थे, तो मतलब ऐसे करके दिख रहा था। और मुझे उस टाइम पे वो जो एकोजेनिक फोकल जो कैल्शियम डिपोजिट है वो क्लियरली दिखा, ठीक है। और मेरी रिपोर्ट में भी यही आया है कि वो जो कैल्शियम डिपोजिट है, ठीक है, वो अभी भी है, ठीक है, वो अभी भी है, वो कहीं नहीं गया है या डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी भी है, लेकिन इसके वजह से हार्ट की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो मेन तो वही था कि इसकी वजह से अगर हार्ट के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब ये हार्मलेस है, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी नहीं तो हो सकता है ये बाद में मतलब डिसॉल्व हो जाए या ना रहे, या इसके वजह से कोई भी ऐसी दिक्कत अभी अभी नहीं आ रही और आगे भी नहीं आएगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिलीफ की बात ये थी, काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो एक हार्ट में जैसे कैल्शियम डिपोजिट दिखता है तो उसके बाद वो फीटल इको के लिए सजेस्ट नहीं भी करते हैं क्योंकि एशियंस में काफ़ी कॉमन है, ठीक है। पहले तो उनको भी रिलैक्स ही रहना चाहिए चाहे नहीं भी हो रहा हो, क्योंकि 99% ये सेफ होता है, ठीक है। और एक सीन तो मेरे भी मन में आया था कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इतनी बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना ठीक भी नहीं है, मतलब ऐसा लगता है, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि साउंड वेव्स है तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है, आप करवा सकते हो अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मंथ में एक बार या दो बार हो गया तो कुछ ऐसी दिक्कत है। तो मैंने अपने मन को रिलीफ करने के लिए ये करवाया, ठीक है, ताकि वो होता है ना, नहीं तो हमेशा यही दिमाग में रहेगा कि हार्ट में कोई दिक्कत है, तो वो ही चेक करवाना था मुझे। तो मैंने करवाया फीटल इको और मेरे बेबी के हार्ट के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, जो डॉक्टर ने कहा था वैसा ही हुआ। और बस मुझे यही है कि और भी लोग जिनके रिपोर्ट में ये आता है, ठीक है, उनको पैनिक नहीं करना है क्योंकि 99% चांस होते हैं कि नॉर्मल हो और 70% एशियंस में ये आता है, ठीक है। कई लोग 30% 40% बोलते हैं लेकिन नहीं, आजकल 70% आता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब बारीक से बारीक चीज़, मतलब बहुत लाइट चीज़ें भी दिख जाती है अल्ट्रासाउंड में, तो उसकी वजह से छोटी जो माइनर चीज़ें आती है जिस जो कभी कभी अबनॉर्मल हो भी सकती है बट ज़्यादा केसेस में नहीं होती, तो उसको भी देख के हम पैनिक कर जाते हैं। पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं होती थी। आई नो मुझे घबराना नहीं चाहिए कभी भी, हमेशा खुश रहना चाहिए, वैसे तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, IVF प्रेगनेंसी है, प्लस पता है आप सबको कि ट्विंस थे, एक को खो दिया, तो फिर हमेशा तो ये और भी ज़्यादा प्रेशियस हो गया, तो उसकी वजह से डर लगा रहता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगी कि ना मुझे डरना चाहिए ना आप लोगों को डरना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा सबके साथ। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।